महाराष्ट्र के एक आईएएस अधिकारी द्वारा अपनी पत्नी को गोली मारने के बाद खुद भी फांसी पर लटककर आत्महत्या कर ली गई। यह सनसनीखेज मामला होली के दिन हुआ। पता यह चला कि दोनों के बीच कुछ घरेलू विवाद था। उसके बाद आईएएस अफसर द्वारा अपनी रिवॉल्वर से पत्नी पर दो गोलियां चलाई गई, जिससे वह घायल हो गई। घायल होने के बाद पत्नी को अस्पताल में दाखिल किया गया, लेकिन इसी बीच विजय कुमार द्वारा फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली गई। कुल मिलाकर यह पूरा मामला प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर विजय कुमार ने खुद को गोली क्यों मारी, अपनी पत्नी को गोली मारने के बाद खुद ने आत्महत्या क्यों की। ये सारे सवाल अभी सामने हैं, लेकिन पुलिस इनका अभी कोई जवाब तलाश नहीं कर पा रही है। विजय कुमार पहले कलेक्टर भी रह चुके थे और हाल ही में उन्हें मंत्रालय में पदस्थ किया गया। किसी आईएएस द्वारा इस तरह से अपनी पत्नी को पहले गोली मारने के बाद खुद आत्महत्या करने का यह पहला प्रकरण बताया जा रहा है। महाराष्ट्र में यही वजह है कि पूरे सचिवालय में इस घटना को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि आखिर वे कौन सी परिस्थितियां थी जिनके चलते विजय कुमार द्वारा इस तरह का कदम उठाना पड़ा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।